हजारों में से कोई एक सोचता है बाबा कह रहे हैं तो मुझे करना है, बाबा वही कहेगा तो हम कर सकते हैं, वो नहीं कहेगा तो नहीं कर सकते। क्या आप अपने 5 साल के बच्चे को कहोगे जाके एक सुंदर सी साड़ी खरीद लाओ मेरे लिए, क्योंकि वो योग्य नहीं है उससे। बाबा ने हमें कहा है, इसका अर्थ है वो जानता है हम ये काम कर सकते हैं। मैं एक महान आत्मा हूं, इसे स्वीकार करो। और जिस क्षण हमारा अंतर मन इसे स्वीकार कर लेगा उसी क्षण हमारे अंदर मानताएं अभी प्रकट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा क्लास रोक के कहना चाहता हूं, फोन बंद करने को नहीं, किसी को जाना हो उठ सकती है माता भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई को जाना होता है, घर काम हो या कुछ और बात हो जा सकते हैं, बंदर में नहीं रखेंगे। यहाँ योग की शक्ति इन सब की आप तक पहुंचती जाएगी, मफत में माल मिल जाएगा, नहीं सो जाना हो सकते हैं तुरंत, नहीं जाएंगे। चलो आगे, अब हम स्वान की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जाओ जिसको जाना, फ्री हो जाने के लिए अब हम स्वान की बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे, स्वीकार करेंगे एक को और बाबा के मुख से सुनेंगे। याद रखेंगे जिस संकल्प को हम बार बार करते हैं या स्वनाथ के संकल्प को बड़े दिल से करते हैं, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। आप अपने घर को शांति कुंड बनाना चाहती हैं, घर में बैठकर अभ्यास करो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, किरणें फैल जाएंगी पूरे घर में, इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको अंटो करने की जरूरत नहीं, आधा मिनट। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरे अंग अंग से पूरे घर में किरणें फैल रही हैं। सभी को घर घर को मंदिर बनाना है ना, हमने संकल्प दिया, साधनाएं करनी होंगी, बहुत माल है इधर, सिखा भी करना है, थोड़ा नहीं है, तरे सब जन्मों से न जाने क्या क्या भरा है, केवल पाप करने ही और बहुत गंदगी भरी है, गंदे विचार भरे हैं कईयों ने, वो आत्मा को सुखी नहीं होने देता। जिस मन में ईर्ष्या है, किसमें वैर भाव है, जिस मन में इनके और संकल्प उठते हैं, जिसके अंदर वासनाएं बहुत भरी हैं, उन्हें चैन नहीं होगा। इस बुद्धि में, ये बुद्धि हमारा पात्र है, हमें इसमें वरदान समाने हैं। कुछ बातें कुछ आत्माओं की बुद्धि से परे है, फिर भी मैं कह रहा हूं आप में से कई बहुत अच्छी आत्माएं यहां रखी हैं। इस बुद्धि में हमें वरदान समाने हैं जो संसार का कल्याण करेंगे। बाबा ने बोल दिया और करेंगे प्रैक्टिस, तुम वेद में विनाशक हो, एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार के विघ्नों एक भी आप में से कोई ये काम करने लगे, एक केवल वरदान चित्त में समा ले बाबा का, वेद में विनाशक बन जाए, तो एक आत्मा ही पूरे कानपुर के विघ्नों को नष्ट करने में सक्षम होगी। ठीक है, जो संकल्प हम करेंगे उसकी तरंगे चारों ओर फैलेगी। याद रखेंगे, ध्यान से सुन ले, अगर आपको ऐसा लगता है ज्ञान में आने के बाद परिवार वाले, पड़ोसी, समाज वाले, रिश्तेदार आपका सम्मान नहीं करते, बहुतों के साथ होता ही है,
स्वान में रहो सम्मान परछाई की तरह पीछे आएगा। रिपीट करेंगे, स्वान में रहो तो आपको सोचना नहीं, आपको परेशान नहीं होना। लोग गाली देते हैं, हमारा विरोध करते हैं, ये अपना धर्म छोड़ के अपनी देवी को छोड़ के कहां से बाबा के पीछे चली गई, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं लोग। सब आपको सच्चे दिल से सम्मान देंगे अगर सम्मान का अभ्यास करें। क्या रहेगा? स्वमान में रहने से अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाता है। स्वमान में रहने से बहुत बड़ी बड़ी बातें बाबा ने स्वमान के लिए कही हैं, जो बाद में आने वाले भाई बहन नहीं जानते। ध्यान से सुन ले, मैं दो चार रिपीट कर देता हूं। जो स्वमान की सेट सीट पर सेट हैं, उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट हैं, उनके जिम्मेदार खुद हैं। बहुत पावरफुल है। स्वमान में रहो, आपकी जिम्मेदारी बाबा संभालेंगे, आपकी नहीं आपके परिवार की। दूसरा एक बहुत सुंदर महावाक्य, जो स्वमान में स्थित हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया है। विनाश काल में बहुत काम है। स्वमान में रहो, ज्ञान सूर्य की किरणें इधर छत्र छाया बन जाएगी। गोली भी चल रही है, आपको लगेगी नहीं, मिसाइल भी पड़ गया है, आपको बहुत दूर गिरेगा, ये अनुभव होंगे विनाश काल। और सुन लो, बहुत सुंदर बात, पति सुंदर जो स्वमान में रहते हैं, उन्हें स्वयं भगवान और प्रकृति दोनों सम्मान देते हैं। पहली बहन तो नोट कर दो, रोज पढ़ना, कब तक नहीं लिखा। जो स्वमान में रहते हैं, प्रकृति और भगवान दोनों उन्हें बोलो तूफान चलेगा, भयानक बारिश होगी, आप कहीं बाहर हैं तुरंत रुक जाएगी, घर पहुंचो, धरती फट रही है, आप कहीं फंसे हैं तुरंत सब लोग हो जाएगा, जाओ, आप कहीं अकेले हैं, डाकू लुटेरे आ गए, पांच बंदूक खातों में है, आप सुमान में स्थित होके बाबा को बुला आ जाओ, सब बात जाएगी, आप देव दिखाई देंगी उन्हें कि ये तो वही है जिसकी हम मंदिर में पूजा करके आए हैं, अपनी बंदूक भी समर्पित कर जाएंगे, ये भी रख लो एक हाथ में, आप हाथ है खाली है तलवार का युग नहीं, बंदूक ले होगा ये। अब हम स्वमान की एक सुंदर प्रैक्टिस करेंगे, और यह अभ्यास अब रोज एक बार कर लेना बस, फिर सारे दिन कोई भी एक स्वमान लेकर उसको याद करते रहेंगे। अब हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में, चले अपने को देखें आकाश के ऊपर, यहां चारों ओर सफेद प्रकाश है, ये फरिश्तों की सामने खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा दिव्य फरिश्ता, उनके अंग अंग से बहुत तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं।
उनके मस्तक में महाज्योति सर्वशक्तिमान चमक रही है। बार-बार मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिए, बच्चे सदा सुखी भव। विजयी भव, निर्विघ्न भव, अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से बहुत सुखद किरणें मुझ में समाने लगी। बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम्हारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, तुम मास्टर सर्वशक्ति। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो, आगे चलकर तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना है। तुम विजय रतन हो, कल कल तुमने इस माया को जीता है। तुम तो माला के ऐसे बनके हो
जिन्हें स्मरण करते हुए भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तुम पवित्रता की देवी हो, पवित्रता के फरिश्ते हो। तुम इस धरा पर पूर्वज हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है। तो इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक कि प्रकृति तुम्हारी पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे प्यासा मनुष्य पानी का। तो इस धरा पर पद्मा पदम भाग्य शाली हो। तुम इस जहान के संगार जहान के विश्व कल्याणकारी हो। तुम्हें ही संसार का उद्धार करना है, सबको भगवान से मिलाना है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेते हुए हम वापिस सकते हैं। यह अभ्यास कम से कम एक बार सबको करना है। पसंद है? क्लियर है? कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं। तो ये ना सोचे समाधान में कैसे जाए, फरिश्ता बन के जाए, आत्मा बन के जाए, ये सोचने की जरूरत नहीं। ध्यान से सुन ले इसका उत्तर। मैं आपको कहूं, आप यहाँ बैठे हैं, एक सेकंड में मधुबन में बाबा की कमरे में जाकर बैठो, बैठ जाएंगे बस, यही और कुछ नहीं। जहां हमारा मन चला जाएगा वहीं हमारा सूक्ष्म शरीर बन जाएगा। हमें ये बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि फरिश्ता कैसे बनूं, फिर उतर जाऊं। कई लोग कहते हैं हम तो फरिश्ता बन नहीं पाते, इसलिए संसार में जाते नहीं, फरिश्ता तो बने होंगे हैं। मैं आपको कहूं यहां से सेकंड में उठ के अपने घर में अपनी बेड पर जाकर बैठ जाओ, कितनी देर लगेगी? देखने लगेंगे ना उसको, मान ये मेरी बेड है या बुद्धि नेत्र है हमारा तीसरा नेत्र, उससे हम उस चीज को देखते हैं और मन में संकल्प करते वहां हमारा सूक्ष्म शरीर निर्मित हो गया। अब बहुत सुंदर बात आपके पास है, एक ही साथ उठ जाओ उठने वाले, सोच सोच के उठ रहे हैं कि वो भी जा रही है, मैं भी चलूं, उठ जाओ एक साथ। फिर अच्छी तरह से दूसरी बात आपके सामने, बाबा हमारे विचारों को बहुत सुंदर और हमें सहज विधि बताते हैं अमृत वेले को कैसे सफल करो। और सवेरे सवेरे रोज
अपने मन को कैसे चार्ज करो। समझते हैं चार्ज करना माता है? चेतन कर देना, जागृत कर देना उसे। मन में जो ठंडाई है, मन ही जो ठंडा है, सुस्त हो गया है। 4 बजे उठ रहे हैं, घड़ी लेकिन 4 बजे, ठंड बहुत है, कल कर लेंगे जो क्या है। सो ठंडा मन है, बाहर ठंडी नहीं है, सब कर देते हैं ये काम। सवेरे उठते ही सुंदर संकल्प करेंगे, उठेंगे भी मुस्कुराते हुए, सोएंगे भी मुस्कुराते हुए। क्या विचार है माताओं का? क्या विचार है? ठीक विचार है या सोएंगे परेशान होकर, उठेंगे बाबा मुस्कुराते करते हुए? बहुत तंग करके इसको अपने पास बुला लो। बाबा कहेगा नहीं, अभी इसको यही रखना, तुम्हारे साथ तुम्हारा हिसाब किताब पूरा करना है। उठो, उठते ही आदत डाल लो। बाबा बोलो, बाबा गुड नमस्ते। मन मुस्कुराने लगेगा, आंख खुले खुलते ही प्रभु दर्शन। मंदिरों में नहीं, जहां वो है वहीं मन मुस्कुराने लगेगा। सो तो बाबा को बाबा, अभी एक एक चीज और जोड़ देना है। उठे बाबा और फिर देखेंगे कि बाबा का आशीर्वाद कहा मेरे से रहा है। गुड मॉर्निंग का उत्तर देगा ना, कहके तो देता ही है, पर सिर पे आशीर्वाद का हाथ, साथ में दुआएं भी दे देगा, सुखी भव। सोए बाबा गुड, जानते बताएंगे बाबा गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब ये है, जिसने सब निर्माण किया होगा, सोचा होगा, ऐसा संकल्प करके सोए कि सारी नाइट गुड हो जाए, अच्छी नींद अच्छी आएगा। विदेशों में तो क्योंकि नींद की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो वो जो एक दूसरे से रात को मिलते हैं ना, गुड नाइट तो कहते ही हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं इंग्लिश में हैव ए नाइस स्लीप, अच्छी नींद करना आज, क्योंकि नींद की समस्या वहां जाता है, गोली खा के ज्यादा लोग सोते हैं। भारत में तो उठने की समस्या ज्यादा है, नींद से सो तो आराम से उठ जाते हैं। तो रात को जब बाबा को गुड नाइट करें तो फिर क्या नींद देखेंगे? अरे माता उठ जाओ, माता सोच सोच उठो, चपिल 2 मिनट उठो, इसको अपना है, फिर पावरफुली उठ करेंगे जरा माताओं के जाने के बाद। माता बहुत धीमी गति से उठ रही है, अभी भी उठो 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 फटाफट उठो, उठ जाओ, थोड़ा खुला खुला हो जाएंगे योग करेंगे। गुड नाइट की बाबा को, फिर देखना सीन ऊपर सूक्ष्म लोक में। हाँ मेरी ओर देखो भी सोचे, सूक्ष्म लोक में देखना गुड नाइट बाबा। तब बाबा ने दृष्टि दी और मुस्कुराट कर मुझे गले से लगाया। ये होगी हंसते हुए सो जाओ, उठते उठेंगे भी मुस्कुराते हुए, सोएंगे भी मुस्कुराते हुए, आपको लगेगा जीवन मुस्कुराने लगा है, भाग्य मुस्कुराने लगा है। ये दो काम सबको, इसलिए टीवी देखते हुए नहीं सोना है, उठते ही अखबार नहीं पढ़ना है। उठते ही जो अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, वो जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। उठते ही क्यों? जब हम आंख खोलते हैं तो हमारा अंतर मन जला होता है। क्या जला होता है? इंग्लिश में इसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, चित्त कहते हैं संस्कृत में। इसकी बहुत चर्चा है शास्त्रों में, इसमें बहुत शक्ति है,
जब हम उठे हमारा अंतर्मन पहले 10 मिनट जगा हुआ है, हमने अखबार पढ़ा। अखबार में पहले पेज पे अच्छे न्यूज होंगे या खराब? सबसे खराब पहले पेज पर होते हैं। कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, इतने मर गए, मिलिट्री पे अटैक कर दिया, 8 जवान मार दिए, ये जो समाचार है पहले पेज पे, अच्छे तो थोड़े अंदर होंगे। तो अंदर में अशांति चली गई, जिसका मनुष्य को पता नहीं चलता। किसी समाचार को पढ़ के अंदर टेंशन चली गई, किसी को पढ़ के चिंता चली गई, किसी को पढ़ के भय चला गया। ये रोज मनुष्य दुखी कर रहा है, फिर वो कहता है जीवन सुखी नहीं है। हम सभी बाबा के बच्चे रोज पहले 10 मिनट सुंदर विचारों में बिताएंगे। सुंदर विचार, योग भी छोड़, सुंदर विचार कैसे? उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, फिर सच्चे मन से कहना, हाथ ऊपर कर सको तो ऊपर करना भी नहीं, सदे अगर आपके घर में ऐसा मौका हो, अगर ना हो तो मत करना। कोई अकेले रहते हो तो डांस करना, कैसे? बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बार बार शुक्रिया। खुल जाएगा आपका दिमाग, यहाँ नशे जो सिकुड़ गई है ना टेंशन से, चिंताओं से, सब खुल जाएगा। बाबा आपने मुझे दिया सब कुछ, कुछ माताओं को तो नहीं दिया। सच्चे मन से आवाज करना, मांगने की जरूरत नहीं। बाबा मैं गरीब हूं, मुझे धन दो। बाबा कहेगा मेरे पास 9 रुपए आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बार बार शुक्रिया। जादू देखना, इन संकल्पों को भी जादू है, ध्यान से सुन लेंगे। जो दूसरों को अच्छा ज्ञान देते हैं वो ध्यान से सुन लेंगे। जब आपने ये संकल्प किया, दूसरा संकल्प ले रहे हैं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगी बात, मेरे जैसा भगवान कोई नहीं। खुले मन से 5 बार कह देना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो क्या होगा? ये तरंगे फैल जाएंगी पूरे ब्रह्मांड में। आकाश सुनेगा, चांद तारे सुनेंगे, प्रकृति सुनेगी, क्या आवाज सुनेगी? ये तरंगे फैलती और रिएक्शन होगा प्रकृति के और हमारी तरंगों के बीच में, और भाग्य को लेकर वापिस हमारे पास आ जाएंगे। समझ लिया सिद्धांत? न समझा हो तो दूसरी बात। तीसरा संकल्प करना है, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। 5 बार अब ये तरंगे फैली चार ओर, प्रकृति से इनका रिएक्शन हुआ। रिएक्शन समझते हैं? रिएक्शन माना प्रतिक्रिया होती है, जैसे आपने पानी में नमक मिला दिया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो पानी कैसा हो गया? नमकीन। आपने नींबू निचोड़ दिया तो रिएक्शन हुआ, पानी हो गया खट्टा, तो रिएक्शन कहते हैं। तो हमारी ये तरंगे प्रकृति में गई, रिएक्शन हुआ, मिलन हुआ दोनों का, भूल गई दोनों, और सुखों की आपके ऊपर बरसात होने लगेगी। यही ठीक गलत संकल्पों में भी होगा। अब सारा दिन सोचते हैं, सवेरे से हम सोचते हैं, बहुत दुखी हूँ बाबा, मेरे दुख दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ। इसकी तरंगें भी फैल गई पूरे ब्रह्मांड में और आपके ऊपर दुखों की बरसात होने लगी। इसलिए अगर कोई दुखी है, परेशान है, चिंताओं में है, उसका जिम्मेदार वो
दिया है सभी को। संकल्प अगला संकल्प, मैं बहुत धनवान हूं। कौन कर सकता है संकल्प, करके दिखाओ। गरीब कौन कौन बैठे हैं यहाँ, बुढ़िया बुढ़ा बुढ़ा चार पांच, और हाथ उठाओ भाइयों में छह, और बहनों में आगे से। आज से आपकी गरीबी को दूर करने की विधि बता रहे हैं। सवेरे उठते ही 8 बजे तक कई बार संकल्प कर लेना, मैं बहुत धनवान हूँ। कौन से खजाने हमारे पास, ज्ञान का, सुख शांति का, खुशी और प्रेम का, श्रेष्ठ संकल्पों का, यही तो खजाने हैं। मैंने बहुत धनवान भी देखे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, और जो ये कहते हैं मेरा सारा पैसा दे दो मुझे सुना दो। एक ने करोड़ की मूर्ति है ना, पहले यूपी में था उत्तराखंड में, बहुत अच्छा बड़ा आदमी था, वीआईपी, बात अब से 40 साल पहले की है, डिक्लेयर किया था 40 साल पहले, मैं 10 लाख रुपए दूंगा आपको इस सुलाई से। तब तो मेरे को भी बेटी देनी आती थी, जो बात है ये तो मैं सुलाता था, क्योंकि हमारा लौकिक गरीबी है। मेरे छोटे भाई ने बताया, इसको बहुत बड़ा टाइटल गवर्नमेंट से मिला हुआ है, बहुत पैसे वाला है, नहीं आती है। सबको नींद आती है अच्छी, नींद में सुख है, खजाना है नहीं। रोटी अचार से खा के मस्त होके सो जाते हो, वो अच्छा, या 12-15 प्रकार के भोजन थाली में सजे हो और खा के ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए रात को नींद ही ना आए, करोड़ बदलते हैं, थोड़ी खाते रहे, वो ठीक है। कौन धनवान है, जिसके पास ये अलौकिक खजाने हैं वही धनवान है। इसलिए माताएं जो मन में समा बैठी हैं, मैं गरीब हूं, भाई लोग जो बैठा लिया है मन में मैं गरीब हूँ, 10 बार सोचते होंगे मैं गरीब हूँ, वो संकल्प को यही बिताई दे दो, मैं बहुत। तो ये 3 संकल्प मैंने आपके पास रखे, शुक्रिया के अलावा मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत धनवान हूँ। और भी संकल्प हैं, 2 और बता देता हूँ जो अति उपयोगी है जीवन के। किसी के जीवन में विघ्न बहुत आते हैं, तो संकल्प करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विघ्न विनाशक हूं, साक्षात करें विघ्न नष्ट होंगे। किसी को सफलता न मिल रही हो, सफलता चाहती हो, उसे संकल्प करें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध। संकल्प ने जन्म किया है हजारों सुंदर अनुभव लोगों के पास। बच्चे परीक्षा से घबराते हैं, मैंने उनको ये सिखाया, 7 दिन में घर खत्म हो गया, बहुत सुंदर अनुभव है। नौकरी नहीं मिल रही है, अभ्यास किए फटाफट नौकरी में। और सुन लो माताएं का, सुन लो बच्चों को सवेरे जब नींद से उठाओ, मैं और समय लेता हूं, किसी को जाना हो तो जा सकते हैं अभी भी, हैं? किसी को गांव में जाना हो कोई बंधन नहीं है। अगर आपको सवेर को, अगर आपको जीवन में कोई बंधन हो, पति का बंधन, कोई आपके घर में बीमार ही हो उसका बंधन, तो आपको आने नहीं देते सेंटर में, बीमार बहुत है उसकी सेवा करनी पड़ेगी। किसी और चीज का बंधन हो उसपे ही अभ्यास करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बंधन हो। ध्यान से सुन लो, जिनके घर में गीता पाठशाला हो वो ध्यान
सिखाएंगे आने वालों को। इन एक एक संकल्पों में जादू है, और जादू क्यों है, क्योंकि इनकी तरंगे फैलती हैं चारों ओर, प्रकृति से मिक्स होती हैं और उन्हीं चीजों को कई गुना लेकर वापिस हमारे पास आ जाती हैं। ये सिद्धांत समझ लिया ना, मैं बंधन मुक्त हूं, मैं बंधन मुक्त हूं, तरंगे फैली आपको बंधन मुक्त बना देंगे। कई माताएं इसी यात्रा में, मैं भारत दिन से बाहर हूं, इसी यात्रा में कई माताओं ने मुझे बताया हम बहुत बीमार रहते थे और मन में ये संकल्प भर कर गया था, मैं तो रोगी हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो रोगी हूँ, मेरा भाग्य ज्ञान लिया, ये बातें सुनी, संकल्प हो गया मैं निरोग हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, सारे रोग दो तीन मास में भाग गए। सभी सुन लें, रोगों को भगाना है, मैं निरोग हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, दो चीजों में रोगों को भगाने की ताकत है, वो है प्रेम और खुशी। इन दोनों में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है, रोगों को ठीक करने की शक्ति है। देखो आपका बच्चा रो रहा है, माताएं कैसे क्या करती हैं उसे सुलाने के लिए, प्यार की धमकी देती हैं, क्यों सो जाता है बच्चा, इसमें सबसे ज्यादा पावर है, दो विषय तो बोलिए, इसलिए अपने मन में नफरत बसा दी, घृणा भाव बसा दिया, चिंताएं बसा दी, प्यार खत्म हो गया, रोग बढ़ गए शरीर में। जो बहुत खुश रहेंगे, जिन्होंने अपने अंदर घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष को स्थान नहीं दिया, वो रोगी होंगे नहीं होंगे भी तो स्वस्थ हो जाएंगे। बातें माताओं को जो मैं बात कह रहा था वो ये है, बच्चों को जब नींद से उठाओ तो उन्हें तीन संकल्प कराना। अब ये जो जिनके घर में छोटे बच्चे हों, पोते हों, मैं बुद्धिमान हूं, बुद्धि बन जाएगी, बुद्धि सबके पास होती है, वो लोक हो जाती है, बुद्धि बंद हो जाती है, ये मैं बुद्धिमान हूं, दिन दिन का नींद में बुलवा देना, मैं चरित्रवान हूं, मैं एकाग्र चित्त हूं। स्टूडेंट कौन कौन बैठे हैं, अब बचे हुए स्टूडेंट हाथ उठाओ, लौकिक स्टूडेंट, माता नहीं लौकिक स्टूडेंट, विद्यार्थी हाथ उठाओ, छोटे विद्यार्थी याद उठा, बहुत अच्छा। सुनो एक सुंदर रहस्य की बात सुन लो, अभी किसी को जाना तो नहीं, जाना हो तो अभी भी जा सकते, 10 मिनट और, कोई किसी को बर्तन नहीं, जब वो घरिया का हो रहा होगा किसी के घर का, चलो उठो नहीं माता जी, क्यों उठ रही हो, तो वो ठीक नहीं, मुझे नहीं लगता ठीक, आराम से अब आप दूसरों को भी सिखाएंगे। एक विद्यार्थी मेरे पास आता है, तो ज्यादा आते हैं विद्यार्थियों के, मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हूं, गणित नहीं, गणित बहुत भारी है, मेरा मन नहीं लगता, बोर होता हूं, समझ में नहीं आता, अब गणित में नंबर कम हो जाए तो पूरे नंबर टोटल बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा आता है इंग्लिश बहुत कमजोर है मेरी, कई तो परेशान रहते हैं, अंग्रेज चले गए, हमारे लिए छोड़ गए, मुसीबत हो गई, ना होती तो कितना अच्छा होता। अब ऐसे बच्चों को ठीक करना है, हमें होशियार करना है, भाई लोग इस सब ध्यान से सुन लेंगे, आप सब ये सिखाएंगे अपने इस बच्चों को, पोतों को, क्योंकि वो बच्चा बार बार सोच रहा है इंग्लिश बहुत कठिन है, मुश्किल है, मैं इसमें बहुत इंग्लिश में से आती नहीं, अब ये बार बार सोचने से क्या हो रहा है, माता इधर उधर नहीं देखेंगी, मिस हो जाएगी, गहरी बात है, दुनिया में कोई नहीं जानता इसे,
सुन लो ध्यान से, इंग्लिश में ये बहुत कमजोर है, मैं इसमें बहुत कमजोर हूं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आता, बोर करती है मुझे। तो अंग्रेजी के लिए ब्रेन में केंद्र है ना, ये ब्रेन बहुत सुंदर चीज है, इसमें हर चीज के लिए अलग अलग केंद्र बने हुए हैं। जैसे मोबाइल में अलग अलग पॉइंट है, सेल्फी लेनी ये दबा के, सामने से फोटो लेना ये दबा दो, मूवी निकालनी है वो ये दबा दो, ऐसे ब्रेन में भी ऐसे केंद्र है। तो जैसे वो विद्यार्थी सोच रहा है मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, ये मेरे समझ में नहीं आता, मैं तो इसमें बोर होता हूं, तो उसका वो केंद्र धीरे धीरे बंद हो रहा है, अब हमें इसे खोलना है। वो संकल्प से ही बंद हुआ है, वो संकल्प से ही खुलेगा। मैंने कईयों से प्रयोग कराए और सफल प्रयोग हुए, ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत जल्दी सफल हो गए। हमने उसको सिखाया तुम मैथमेटिक्स गणित, गणित में कमजोर हो, हाथ से उठते ही संकल्प करना, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको पसंद करती हूँ, करता हूँ, मैं इसमें बहुत होशियार हो जाऊंगा। बस ये संकल्प जो किए वो खुलने का। एक लड़की का बहुत अच्छा अनुभव, 12वीं की परीक्षा दे रही थी, 11वीं में उसके 28 नंबर आए थे, ले दे के पास करा दिया था। अब उसकी जो टीचर थी ना, वो कोचिंग करने जाती थी, वो ज्ञान वाली है, उसको ये सब आता था, उसने उसको ये अभ्यास कराए, इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई लव इंग्लिश, मैं इंग्लिश बहुत प्यार करती हूँ, ये तो बहुत सरल है, मैं इसमें बहुत जल्दी होशियार हो जाऊंगी, रोज वो उसको कराने लगी ट्यूशन लेने से पहले। और 12वीं में उसके अंग्रेजी में आए उल्टे हो गए, 28 के 82, सच्ची घटना है, 3 साल पहले। तो संकल्पों से ही उल्टा हो रहा है, संकल्पों से ही संकल्प ठीक होगा। सभी अपने को चेक करेंगे जो बार बार ये कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, संकल्प को बदलो, मैं बहुत खुश हूं, सही बहुत खुश हूं, मेरे जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं, आप खुलते ही से भगवान मिलता हो। अब बस लास्ट बात कर देता हूं, क्लियर है ना संकल्प, कल से करेंगे, मैं हाथ उठवाऊंगा, कौन कौन भूल गए, कौन कौन किया, कल कल हाथ उठाना, ठीक है, पसंद है ना। और भी जितने सुंदर संकल्प आप कर सके उतने ही करना, बहुत सुंदर संकल्प हम लोगों के पास ही है, दुनिया में संकल्पों का किसी को पता नहीं है। अब सुन ले लास्ट बात, और इसको साथ लेकर जाना भी, बाबा ने कहा तुम सभी बहुत भाग्यवान हो, प्रभु पालना में पल रहे, प्रभु पालना याद दिलाई, सवेरे आकर बाप तुम्हें उठाते हैं, उठाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाते हैं, कोई बच्चा आंखों में आंसू बहाए तो उसको आंसू पहुंचते हैं। ये 5 बातें सुनाकर बाबा ने कहा अगर दुनिया वाले सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और उस दिन भगवान भी नशे में था, बाबा ने उत्तर दिया तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही रहता है। अब भगवान खाली और हम बिजी, वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार और हम अकेले, चेंज करेंगे इसे, बदल दो, वो हमें निरंतर मदद देने के लिए तैयार बैठा है, उसकी मदद हमें
रखेंगे, जब भी उसको प्यार से बुलाएंगे उसका आना ही काफी है, हमें उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब पता है मुझे क्या करना है। उसका आह्वान करो वो आ जाएगा और उसके आते ही खेल खुल जाएगा। ठीक है, तो कल सवेरे अच्छा योग करके सभी आना, इन संकल्पों से अपने को चार्ज करके आना, तो नींद भी नहीं आएगी। बाद में योग करना 5 मिनट ये सब करके, नींद भी नहीं आएगी। योग फर्स्ट क्लास लगेगा, आपके चेहरे चमकेंगे तो उठते हुए मुस्कुराएंगे सारा दिन।